राइट तो पहले वीडियो में अपन ने देखा कि कैसे निर्माण होता है सेपिया का, क्यों कैसे निर्माण होता है, सेक्सुअल अब्यूज है घर में, उसे नकारा है, उसे फोर्सेकन है, कोई उसे प्यार नहीं करता, उसका अस्तित्व नहीं, और उस अस्तित्व की लड़ाई में वो कितनी लड़ती है, कितनी नाचती है, कितनी केयर्स करती है, कितनी यहां वहां दौड़ती है और अपने आप को पूरा घिस डालती है ताकि मतलब घर का सब बना रहे, घर में सब लोग जुड़े रहे, घर के सब काम होते रहे, सब चीजें जगह पर बनी रहे। इसके लिए खुद की इच्छा ना होते भी, खुद में ताकत ना होते हुए भी, खुद की बीमारियां भी बाजू में रख के पहले घर, पहले बाकी लोगों की चिंता, पहले बाकियों की केयर, ये उसका इंटेंशन ना हो के भी वो करते रहती है, ये अपन ने थोड़ा सा देख लिया। अभी इसी लाइन पे एग्जिस्टेंस की बात ना, डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट हिज, ये क्या है दिस डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट हिज। अभी मैं एक केस बताता हूं, मेरे पास एक लेडीज आई थी, उसके हाथ में एक बच्चू था, नीचे एक लड़की, उससे छोटी एक लड़की, मतलब एक 4 साल की एक रहा होगी, एक 3 साल की, यहां पर 1.5-2 साल की, और वो प्रेग्नेंट थी मेरे पास, और आके ऐसे खड़ी हो गई। अभी इतने बच्चे और वो गरीब घर से थी बिचारी, उसके चेहरे पर वो भाव था और बोल रही थी कि सर चक्कर आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा सर, काम करने को नहीं हो रहा है। अभी ये देख के ही मैं बोला, मुझे देख के मुझे दया आ गई कि क्या ये है, मैं मतलब मेरी बीवी ने उसे बोला कि आपके हस्बैंड कहाँ है, मेरी बीवी गुस्सा हो गई, अरे ये क्या चल रहा है, कुछ समझते हो, दुनिया कहां पर जा रही है, क्या कर रहे हो तुम, कुछ समझ। लेकिन ये असहाय है, ये औरत उसको नाम नहीं कह सकती, ये इसके लिए और एक रूरी है पैथेटिक करके, सो पुअर रॉजर मिजरेबल रॉजर पैथेटिक। ये जो मैंने भी जो केस बताए थे ना, हमें लगता है यार इसकी क्या हालत है, मतलब इसका शादी भी टूट गया, पढ़ी लिखी भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कपड़े देखो तो एकदम नौकानी जैसे कपड़े पहने हैं, और मम्मी है, फादर नहीं है, तो मतलब ओवरऑल मिजरेबल कंडीशन है। कैसा है ना, इसकी शादी करके अपने पति के घर में ऐसी हालत है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, लेकिन जब अपनी माँ के घर में आके वापस आ जाती है ना लड़की, तब भी वैसी और बेकार हो जाता है कि ये जगह तेरी है ही नहीं, है ही नहीं। और इसमें ना जैसे ये केस में ना, देखो देखो इसके पीछे की ना चीजें आपको समझने, क्या होता होगा घर में, लेटर मोर मना कर सकती है हस्बैंड को कि नहीं हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट बच्चा नहीं चाहिए मेरा, मुझे फिर से जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मना कर सकती है, उतनी हिम्मत होती है ना उसमें, इसमें हिम्मत नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती, करने की नहीं होती, ये सब हिम्मत नहीं है उसके, बिल्कुल यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक प्रेग्नेंट है, ये सब उसके, तो आपको किसी केसेस मिलेंगे, बिल्कुल इंडिया में कितने सारे, क्योंकि ऐसे कितने सारे इनफर्टिलिटी के केसेस मिलेंगे जिसमें कि सेकेंड बर्थ था इस लड़की का और उसको पूरी फैमिली ने रिजेक्ट किया उसको, तो ये तो वहां भी उसको प्रिस्क्राइब किया। हाँ, तो मैंने बस वो देखा और मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं लगी कि ये क्या हालत है, उसको वैसे ही सेपिया दे दिया। इट कुड बी दैट सिंपल अगर आप सेपिया को ठीक से समझते हो। तो ये है पुअर, और अभी उसको चक्कर आ रहा है, काम नहीं कर पा रही है, 4 बच्चे हैं, पति काम पे जाता है, अगर ये काम नहीं करे तो फिर इसका अस्तित्व क्या बचेगा। ये है फियर पावर्टी, पावर्टी मतलब सब खत्म हो जाना, पुअर मतलब कम है लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है, डिल्यूजन पुअर मतलब अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे पास कम ताकत है, मेरे पास कम रिसोर्सेस है, मेरे पास कुछ चीजों की कमी है, ये पुअर। और फियर पावर्टी मतलब आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि पूरा खत्म ही हो जाए सब, इस बात की डर। ये फियर पावर्टी और पुअर जो है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये सब ना एंट्री रूब्रिक्स है, इससे आपको ना केस में एंटर कर सकते हो, फिर सारी पिक्चर आपको सारी पर्सनालिटी को कंपेयर करना है। सीपिया में आपको ऐसा प्रश्न चिन्ह आपके माथे पर आएगा, ये जन्म जात गरीब औरत है क्या, जन्म जात पुअर है, मतलब ये देखो ये यहाँ पे सीपिया जैसे ना ये बन चुकी है, लेकिन अभी तक सीपिया में अगर जब तक आप दवा नहीं देते तब तक ये रिवर्स जर्नी चालू नहीं होगी, फिर से पहले जैसी नहीं होगी,
जब तक दवा नहीं मिलेगी तब तक वो बीमार और पड़ती जाएगी, फिर कैसे हो जाएगी हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। एक एग्जांपल और एक बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ एम्बैरेसमेंट जैसे बोला योगेश ने कि इसमें ना इतनी पुअर फीलिंग होती है ना कि वो जब अपनी ना बीमारी के बारे में बताती है ना, जैसे मेरी एक केस दूसरी केस है जिसमें ना उसको पूछता हूँ तो एक हर कोई भी वो अपनी हिस्ट्री बता रही है, हाँ सर मतलब ना शायद सर वो नए बॉस आए ना तो बहुत स्ट्रिक्ट है तो मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ सर, मुझसे होता नहीं है और फिर ये घर का भी देखना है, और तो अल्टीमेटली क्या है काम का देख के घर का भी देखना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं कर नहीं पा रही, ये होता नहीं तो हंस देती है ऐसे, तो ये कर नहीं पाती हूँ या फिर सर मुझसे ना इतना दर्द होता है इतने दिन से हो रहा है सर, ऐसे हंस देगी तो ये हंसती क्यों है ना, ये हंसती है उस एम्बैरेसमेंट, उसको लगता है यार पहले से मिजरेबल है, पथेटिक कंडीशन है और इसमें ये बीमारी आ गई मुझे, जो बोलना बताना उसके लिए एम्बैरेसिंग होता है। कुछ 54-58 जो अपनी फैमिली के लिए कर पा रही थी हाँ, अभी वो भी कर नहीं पा रही। तो आलोक के पास एम्बैरेसमेंट का केस हाँ, एक बार ऐसा ही केस है, मेल का केस है हाँ। सीपीआर का मेल एंट्री करता है, बिल्कुल वैसी स्थिति, उतनी ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं थी ऑफकोर्स, लेकिन वो आकर के बैठता है तो उसकी प्रेजेंस से मैं डोमिनेट फील नहीं करता हूं या उसकी प्रेजेंस की वजह से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मुझे अलर्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी। आकर के बैठा तो मैंने उसको पूछा हाँ बताइए क्या दिक्कत है, तो उसको क्या दिक्कत थी कि सर्दी खांसी का प्रॉब्लम था, साइनस क्लॉक थे और उसकी वजह से क्या होता था उसको कि उसने बोला सर मुझे सुनाई देने में प्रॉब्लम होता है राइट ईयर में, स्पेशली राइट या लेफ्ट था आई हैड फॉरगॉटन, लेकिन सुनने में उसको दिक्कत होता था। तो मैंने कहा सुनने की वजह से आपको क्या दिक्कत होता है, तो तुरंत जैसे अभी इसने एम्बैरेसमेंट दिखा ना हंसा वो सर सुनाई नहीं देता ना, तो सर फिर वो जो क्लाइंट आते हैं ना तो बोलते हैं तो मुझको सुनाई नहीं पड़ता ना, तो मैं काम करने में दिक्कत होता है सर। अच्छा तो काम करने में दिक्कत होता है तो मेडिकल लीव लेकर के दवा लेकर के तो तुम घर पे बैठो ना, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं सर अगर ऐसा करेंगे तो सर जॉब फिर दिक्कत होगा ना सर, जॉब के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है ना सर, तो ये दिक्कत मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो जहां पर सुन नहीं पा रहा हूं ये उसका पुअर फीलिंग है और उसकी और ये वीकनेस है उसकी, जिसकी वजह से जब जब क्लाइंट उसके सामने आता है तब तब वो एम्बेरेस होता है। सुनने हाँ सर आपने क्या बोला सर, हाँ जरा फिर से बोलिए। एम्बेरेसमेंट और क्लिनिक में जब वो अपनी कमी बता रहा है तो वहां पर एम्बेरेस हो रहा है, सुन नहीं पा रहा तो ये नहीं, और आगे चल के जॉब के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, भाई कर नहीं पा रहे हो तो कर नहीं पाओगे, फियर ऑफ पॉवर्टी। एम्बेरेसमेंट के लिए हिंदी शब्द होता है एम्बेरेसमेंट, शर्मिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी एक तरीके से शर्मिंदगी होता है लेकिन इसके आगे की चीज है ये थोड़ा। एम्बरेस हो जाना मतलब अगर आप सुनील घोड़के को सुनेंगे, हमारे प्रिय मित्र है सुनील घोड़के, उनकी ये उपज है कि उन्होंने ये आसान सा एक फॉर्मूला निकाला है जहां पर डिलीजन पुअर है जैसे सुनने में कम है और उस पुअरियत की वजह से वो आदमी बड़ा ही फील एम्बरेस करता है कि अरे इतना भी नहीं या फिर हंस के इतना भी मतलब मेरे से नहीं हो रहा सर के इतना भी काम नहीं हो रहा, मतलब घर का काम नहीं हो रहा या फिर जैसे बस बहुत आसान है ना, मतलब नीचे भी नहीं बैठ पाते सर वो थोड़ा। आप हमेशा क्वेश्चन ये पूछो सेपिया को, मैं हमेशा पूछता हूँ ऐसे, अच्छा आर्थराइटिस है, अच्छा इतनी तकलीफ है कब से है, तो बताए कि 5 महीने से 6 महीने से, तो काम कर पाते हो कि नहीं, हाँ सर तो आ जाएगी काम तो सर, लेकिन पहले ऐसा सर होता नहीं है, पहले सर मैं सुबह 5 बजे उठ के करती थी सर, अभी होता नहीं है अभी, और इस पे ना ये जो एक्सप्रेशन आएंगे ना वो एम्बैरेसमेंट के आएंगे, है ना, पुअर है एम्बैरेसमेंट है, इन दो रूब्रिक को जोड़ो तो सीपीआर बहुत नजदीक है, सोच में आपके आनी ही चाहिए। यस मतलब ये आसान तरीके है जहां से आप मतलब पूरी कहानी मतलब सुनो तो समझ में आए। यही वीकनेस अगर ना नेट्रमूर होता है तो नेट्रमूर हमने देखा, आप नेट्रमूर की वीडियो देख लो फिर से जिन्होंने नहीं देखा है, कि नेट्रमूर की वीकनेस सामने नहीं आनी चाहिए तो वो रेचेड फील करती है, बहुत अपने आप को रेचेड फील करती है ना, तो ये सेपिया होती ना वो वीकनेस जो पता थी वो क्या फील करती है, अपने आपको बहुत पुअर फील करती है और ज्यादा, तो ये आपको हाउ समझ में आना चाहिए, ठीक है राइट आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे इसका ये केयर्स है, ये इतनी दौड़ती है इतनी भागती है और सामने से जब रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता या तो फिर इसको ये डिलीजन होता है कि भैया निग्लेक्टेड हूं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये कहीं पर जाके फिर इसको उपज होती है, मतलब फिर निर्माण होता है इंडिफरेंस का बीच में फेस और आ सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कई सारे केसेस में, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसमें उसको गुस्सा आता है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है,
डोमेस्टिक शब्द का एक और मतलब है टेम एंड लिविंग विद और यूज बाय पीपल. उसको ऐसा लगता है कि लोग यूज कर रहे हैं, मैं इनका इतना इतना काम कर रही हूँ, लेकिन एक भी प्रशंसा का शब्द नहीं है, कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं है. यार लोग कैसे कैसे आदमी है. और होता भी ऐसे निसेपियाबल फैमिली जो बाकी की है ना, काफी बार ऐसे होता है कि वो निचोड़ लेते हैं. जैसे वो काम बहुत करती है और खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लोग और भी उससे काम करा जो करता है उसी से करवाते हैं. तो निसेपिया में हिम्मत नहीं होती बोलने की. तो एंगर विद वायलेंट जेस्चर्स, एंगर और कॉन्ट्रडिक्शन, इंटॉलरेंट, इस तरीके के कई सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन अपने आप को इस पुअर फीलिंग की वजह से दबाती है क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है. लेकिन कुछ केसेस में उतना कॉमन नहीं है जिसमें कि वो आगे चल के डिफायंट भी हो जाती है. मतलब जो उसके जो कमांडिंग पोजिशन में उसकी सास या ससुर हो, वो उनको वो जाकर के डिफाई भी करती, चुनौती भी देती है और एनार्किस्ट भी बन जाती है. एनार्किस्ट मतलब पूरी गवर्नमेंट को तहस नहस कर देना. तो उस एटीट्यूड में भी जा सकती है. लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो है अपना इंडिफरेंस विद लाइफ. 99% केसेस आपको सेपिया में, बहुत सारे केसेस में इंडिफरेंस की तरफ जाएगी. जैसे मतलब इग्नेशिया पे हमने देखा था वो डिसकंसर्टेड हो जाती है. नेट्रोमोर में हमने देखा कि वो जेलसी में जाती है, रिवेंजफुल में जाती है, इस तरीके से हो जाती है. वैसे हर रेमेडी की जर्नी होती है ना, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्राइसिस के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा तो उसकी नेचर चेंज हो जाता है. तो ये पूरा जर्नी हमें सर्वाइवल मैकेनिज्म है. मतलब ये यही तो रेमेडीज आपको बताती है. अगर किसी ने चाकू एसकेडी को दिखाया तो एसकेडी का तरीका अलग होगा उसके साथ. मतलब मैं फियर में जाता हूँ या फ्लाइट में जाता हूँ, फ्राइट में जाता हूँ, ये सारी. वैसे ही चाकू अगर आलोक को दिखाए तो आलोक अलग तरीके से रिएक्ट करेगा. वैसे ही मेरे को दिखाए तो मैं कुछ अलग तरीके. तो यही रेमेडीज बताती है. वैसे ही एक ही सिचुएशन इग्निशा के साथ भी आती है, नेट्रमोर के साथ आती है. तो सेपिया का रिएक्शन कैसा होता है? इनडिफरेंस को ठीक से समझिए. इनडिफरेंस का हिंदी में अनुवाद करें तो उदासीनता में ऐसा नहीं होता है कि उसका चीजों से ध्यान हट जाता है. उदासीन होने का मतलब यह है कि जितना अफेक्शन या जितना ऊर्जा या जितने अटैचमेंट के साथ आप कार्य कर रहे थे, अभी उसमें कमी आ गई है और आपने अपनी प्राथमिकता बदल ली है, आपने प्रेफरेंस बदल लिया है. अभी उन्हें कहा मैं अब आराम करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन दिमाग में उसके सब कुछ चल रहा है कि अगल बगल क्या चल रहा है. ये जो है ना, एक जमाना, एक पहले आपने पहले वीडियो में रूबरी देखा केयर्स अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स, वैसे ही रूबरी है इनडिफरेंस टू डोमेस्टिक ड्यूटीज. जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है उनको इनडिफरेंस, मतलब अब मुझे फर्क नहीं पड़ता. एक जमाने में बहुत फर्क पड़ता था कि अगर नहीं हो रहा, लेकिन एक लिमिट आ जाती है. आपने को सेपिया ऐसी पढ़ाई गई थी कि घिस घिस के फट जाती है वॉशरवोमन. तो जब वो फट जाएगी तब वो बोलेगी भाड़ में जाए, मैं नहीं करती, मेरे से नहीं होता. तब फिर वो इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके पड़ी रहेगी. उसको पता है टिफिन नहीं मिला है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, सब घर में क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सासू माँ ने किसी को कुछ दिया नहीं, सासू माँ ने कुछ किया नहीं, मैं नहीं उठी तो मैं, मतलब पति ने भी कुछ हाथ बटाया नहीं, किसी ने कुछ आगे आके काम नहीं किया, ये सब उसको पता चलता है. चिढ़ आती है लेकिन कुछ नहीं करती, पड़ी रहती है वैसे ही. पहले सबके लिए डांस कर रही थी और अब उसी इंडिफरेंस टू फैमिली. बहुत सारी इंडिफरेंस के 30-32 रूब्रिक्स है सेपिया में. इंडिफरेंस टुवर्ड्स फैमिली मतलब वो अभी किसी के लिए नहीं, अभी हस्बैंड शाम को आता है ना रात को, तो वो शायद शुरुआत में फिर भी उसका खाना परोस के फिर लेट जाएगी. ले लो अभी, तुम ले लो. पहले क्या होता था, जब आता था क्या कब आए कैसे है, उसके सॉक्स रखो, उसको पानी दे दो, उसको खाना गर्म करके दे दो, पूछो सारी चीजें, फिर से चपाती गर्म करके बना के दे दो गर्मा गर्म. अभी नहीं, अभी ये लेट गई है वहां पे, लेकिन उसको पता है हस्बैंड ने दरवाजा खोला है, आया है, क्या कर रहा है, सारा इंडिफरेंस नहीं होता, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है. और लेकिन अब तुम मुझे ये नहीं कर रहे हो ना, तुम मेरे अस्तित्व को मान नहीं रहे हो ना, अब करो करो. फिर तो हस्बैंड आके फिर खुद खाना पड़ता है उसको. तो ये उदासीनता को थोड़ा सा अगर एलोबोरेट करें, जैसे हम लोग फिजिकल्स में पढ़ते थे कि फिजिकल्स जर्नल्स में सीपीआई चिली रेमेडी होती है, तो चिली का मतलब क्या होता है? ठंडा, करेक्ट ना? तो ये जो ठंडा है ना, ये उसके बिहेवियर में दिखने लगता है. जो वॉर्म्थ थी बच्चों के लिए,
जो पतिदेव के लिए वार्म थी, जो खाने में जो गर्माहट थी, वो अब ठंडी पड़ गई है। पहले वो उसको पॉसिबल नहीं था, फिर भी वो बहुत जद्दोजहद कर, बहुत काम करती थी, तकलीफ उसको 90% है लेकिन वो फिर भी काम करती थी। अब क्या हो रहा है, अब उसको तकलीफ है, बहुत फिजिकल तकलीफ है ना, तो वो बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करती है, फेनिंग सिक करती है, फेनिंग सिक। और अब क्योंकि अभी उसके माइंड में इतने दिन की वो उसकी जो स्ट्रगल थी वो उससे उसको कुछ फ्रूट नहीं, उससे सक्सेस नहीं मिला है, तो अब वो क्या करती, जाओ अभी तुम करो, नहीं कर लो, तुम रखो सॉक्स, रखो देखते हो, अभी पड़ा रहने दो, घर रहने दो, अभी कचरा रहने दो। मेरे पास एक सेपिया थी जो इंडिफरेंस जो समझते ना, उसको ऐसे लगता था ना बच्चा, छोटा बच्चा उसका, बोल रही थी सर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं सोचती हूँ ना ये काम वाम कुछ नहीं, कब कचरा ना सर पढ़ने तो ऐसा सर इतना, मुझे ना खुद के बाल बनाने को भी इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, कुछ और ऐसी बात करी सर बिल्कुल नहीं होता सर, सर पता नहीं सर क्या हो गया, मतलब सर पहले ऐसे नहीं तो पहले बहुत करती थी सर काम ऐसे करती, सल्फर भी ऐसा बोल सकता है लेकिन इसका कारण दूसरा है, सल्फर आपको स्टोरी समझ नहीं है, लेकिन उसको पूछा ना तो उसने बोला कि तो मैंने पूछा कब से हो रहा है, बोला सर काफी महीने हो गए सर, तो आप आए क्यों नहीं, और पिछली बार तो आप आपकी बेटी को भी लेके आए थे, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं लिया, सर नहीं मुझे मतलब सर समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे बता रही, लेकिन उसको पता था कुछ तो हो रहा है लेकिन वो खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, लाइज विथ आईज क्लोज। अब क्यों आई पता हो, उसने बोला कि सर अभी इतना ज्यादा हो गया ना सर, मेरा बच्चा छोटा है सर, वो गिर रहा था ना सर, वो गिर रहा था उसको लग भी गया और मुझे लगा गिरने दो कुछ नहीं यार नहीं करने, और ये इंडिफरेंस इतनी लेवल पे चला गया, तब उसने एक्चुअली हार्ड हार्टेड हो गई, मतलब इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हर ओन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये रूब्रिक है, लेजीनेस एवर्जन टू हर यूजुअल हाउस वर्क, यस ऐसे रूब्रिक है, लेजीनेस एवर्जन टू, जो इतना नाचने वाली, जो इतना केयर करने वाली, अनदर एक्सट्रीम, यहाँ से यहाँ हार्ड हार्टेड हो गई, निग्लेक्टिंग हर ओन चिल्ड्रन, निग्लेक्टिंग, अब काम भी निग्लेक्ट करती है, लोगों को भी जो घर के है, लेकिन देखो ये सारा स्पीयर जो ना अभी केंट का बहुत इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर भी है, लेकिन उसका सीपीए का बिजनेस अफेयर ही यही होता है, बिजनेस ही यही होता है, काम ही यही होता है, डोमेस्टिक अगर मेल भी है ना तो भी वो ऑफिस में पर उसको अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भी उसको चिंता यही होती है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा तो यार बच्चे की फी कैसे भरेंगे, यार वाइफ को ना हम लोग घर का सारा सामान कैसे भरेंगे, घर नया कैसे ले पाएंगे, घर में फर्नीचर कैसे बनाएंगे, यही सारी दिक्कत होती है, सर्कल होता है ना सेटिया का, ये डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक डिविजन, फैमिली विल स्टार्व, भूखी मरेगी फैमिली यार अगर मैंने नहीं किया तो, करते रहो करते रहो, जैसा भी स्थिति है शरीर की करते रहो करते रहो, लेकिन अब स्थिति चेंज हुई, ये या तो ये इंडिफरेंस में चली जाएगी, और अगर ये ऐसे इंडिफरेंस में जाती है, और इसके पहले ये भी हो सकता है, एक रूब्रिक बहुत बढ़िया सा अपन ने लेना चाहिए, वो है इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम एक्सर्शन, अभी एक्सर्शन को अगर ठीक से समझे, अगर अपन काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं आपको उसमें आनंद आ रहा है, आप लोग आपको उसमें मजा आ रही है, तो उसे एक्सर्शन नहीं कह सकते, आप चाहे जितना काम, लेकिन अगर उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा, आप अपने दिल के खिलाफ कर रहे हो, इंटेंशन अपोज्ड है, तो फिर उसे एक्सर्शन हो जाता है। ये एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे जैसे ना होम्योपैथ, अभी हम ऑब्वियसली होम्योपैथ के लिए बना रहे हैं ना, जब बहुत सारे होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पाते अच्छे से, और कोई और चीज करते हैं प्रैक्टिस के अलावा, या फिर प्रैक्टिस में कोई और दवाइयां यूज करते हैं, या तो उससे बढ़िया एग्जांपल हम लोग कभी सीपीआर नहीं हो सकते, क्योंकि वीडियो बनाने में मजा आता है, मजा आता है। जब होम्योपैथी करते हैं ना, जब पेशेंट की इतनी मिरेकुलस चेंज देखते हैं 10-15 मिनट में, हफ्तों भर में पेशेंट पूरी तरह से ना पूरी तरह आइडियल क्योर जो होता है ना, सिर्फ फिजिकल ठीक नहीं होते, सिर्फ हाथ पैर ठीक नहीं होता, वो उनकी उसकी परसेप्शन चेंज हो जाता है, वो पहले के जैसा सोचने लगती है, पहले के जैसे जैसे उसको खुशी मिलती थी, डिफरेंस में अभी जैसे लग रहा है ना बच्चे पहले जैसी बन जाती है, मतलब खाना गरम पतिदेव को परोसने लगेगी सीपीआर देने के बाद जो कि ठंडा हो गया था, यस। और इसीलिए ना सीपीआर जैसे इंडिफरेंस में फैमिली आती है ना, तो हस्बैंड क्या बोलता है, हस्बैंड है ना उसके ऊपर, उनको तब है ना उसकी अहमियत समझ में आती है, अब वो काम नहीं कर रहे ना तो वो ना बोलते हैं, तो वो बताएंगे आपको, फिर वो उसकी केयर करेंगे, और वो भी जानती है कि मैंने इतना कर चुकी हूँ ना मैं, तो अभी ये मुझे डांट नहीं सकते, तो ये भी फैनिंग होता है, जरा सा एग्जैगरेट करेगी वो, तो हस्बैंड बताएगा हाँ सर ऐसा नहीं सर, पहले बहुत किया है सर, इसने बहुत करती थी सर, अभी नहीं हो पा रहा सर, ये अभी ये कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा, ये कुछ महीनों से नहीं हो रहा है, पहले तो सर बहुत करती थी, बहुत कितनी भी तकलीफ हो सर, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसे, तो ये फीडबैक आपको जरूरी है, जैसे डॉक्टर अनिमान ने बोला है ना कि सारा जो अटेंडेंट है फैमिली मेंबर है सबकी तरफ से आपको इनपुट्स लेने, यस
तो इनडिफरेंस विद लाइज, लाइज विद आईज क्लोज्ड एंड एनी स्लेंडर डिस्पोजिशन एक बात। अभी अभी क्या है कि एक तो इनडिफरेंस हो गया, एक उदासीनता हो गई, घर से अपने जो संबंधी थे, अपने पतिदेव थे, एवर्जन टू हस्बैंड, हस्बैंड के पसीने से भी उसको दिक्कत होती है, ऐसे करके रूब्रिक्स हैं अपने पास में, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये समझिए उदासीनता पूरे वातावरण में जितने लोग हैं, सबसे काम से, खुद से, सबसे। अभी एक और अडेप्टेशन, एक और उसके सर्वाइवल का एक तरीका है जिसमें वो हिपोक्रेसी करती है। हिपोक्रेसी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से फॉस्फोरस में एक्सप्लेन किया है, पल्सेटिला फॉस्फोरस में एक्सप्लेन किया है। तो वातावरण में, वातावरण से स्ट्रगल करते करते फिर वो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी से रिलेटेड चीजें करने लगती है। और फिर सीपिया में एक बहुत अच्छी खराबी है, उसका एक रूब्रिक है इंट्यूटिव खराबी है इंट्यूटिव टू वीकनेस ऑफ अदर्स। पूरे एनवायरनमेंट को उसने पढ़ लिया है अच्छे से, तो जब वो ऐसे मूड में जाती है, जो कि इंडिफरेंस का एक दूसरा फेज है, दूसरा फेज है जिसमें दूसरों की कमियों को ताड़ करके, अच्छे से पड़ताल करके कि ये सास की कमी क्या है, वो निकालती है पति के सामने और फिर वो फायदा उठाती है। हिपोक्रेसी के साथ साथ में फेनिंग होगा, फेनिंग आ गया और फिर स्लैंडर भी आ जाएगा। हाँ, स्लैंडर आ जाएगा। स्लैंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्लैंडर मतलब झूठ, आलोचना करना लेकिन झूठ बोल करके दूसरे को नीचा दिखाना। तो लायर भी है सीपिया, बहुत सारे नेगेटिव रूब्रिक्स हैं सीपिया के जो कि उसका एडेप्टेशन है। हिपोक्रेसी, लायर, परफीडियस मतलब मेरे पति देव ने मेरी तरफ कोई भी रिसिप्रोकेशन नहीं किया, सास ने नहीं किया, अब मैं इन लोग को अच्छे से धोखा दूंगी और जानबूझ करके ऐसी चीजें करूंगी जिससे इनको दिक्कत हो। परफीडियस, डिसीटफुल, फेनिंग, मोरल फीलिंग, वांट ऑफ। अभी मेरे पास एक केस थी, एक लेडी थी, वो इतनी ही अपने पति की केयर करती थी, अपने बेटे की केयर करती थी, अपनी सास की करती थी, सबकी करना है और वो सबके लिए दवा लेना है कि देखो बेटे को मेरे ये हो रहा है, वो हस्बैंड को देखो दम लग रहा है, उनको बोलो सिगरेट छोड़ने के लिए, मैंने उनको बोला सिगरेट पीते, वो दारू भी पीते हैं हफ्ते में दो बार, उनको जरा बोलिए आप सर ऐसे, बहुत चिंता करती थी, सब करती थी, लेकिन पति सुनता नहीं था, पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, सास अलग से अपने पैतरे डालती थी वो अलग, और बच्चा, बच्चों की केयर के लिए जब हस्बैंड के बोलता तो भी हस्बैंड नहीं मानता था। करते 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 वो मेरे पास काफी सालों से है तो मैं उसको जानता था। फिर बाद में ऐसे हो गया कि उसने बोला कि मैंने अभी चालू कर दिया है मेरा काम। आपने आपका काम चालू किया मतलब क्या? बोले मैं लेडीज को स्कूटर चलाना सिखाती हूँ, उनका लाइसेंस बनवा के देती हूँ, तो वो आरटीओ का काम मैंने चालू किया, मतलब ड्राइविंग स्कूल, स्कूटी चलाने के लिए लेडीज को लेडीज ही चाहिए होती है। तो बोला अच्छा, तो बोले फिर तुम क्या सुबह से लेकर वहीं पर रहती हूँ मैं घर का वगैरह? तो बोला वो अभी कुछ नहीं, मैं अभी मेरा देखने वाली, इनके पास पैसे मांगो तो ये फिर बोलते हैं नहीं अभी पैसे नहीं है, दोस्तों को पैसे दे देंगे। मैंने बोला फिर अभी मैं मेरा करूंगी। फिर वो बोला बच्चा हो जाता है स्कूल, स्कूल चला जाता है तो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, फिर वो स्कूल से आएगा तो फिर है सासू मां देख लेगी, फिर पड़ी नहीं है। अब वो बोलती मैं मेरे पैसे कमाती हूँ अभी। लेकिन इसको ना हमेशा, जैसे आलोक ने ये जो बताया, ये आगे जर्नी जा रहा है आगे, इसके पीछे कुछ और हुआ है। जैसे हमने इग्नेशिया में देखा, इग्नेशिया की भी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है देख लो फिर से, इग्नेशिया में हमने देखा कि बच्चा पहले बहुत अच्छा होता है, राइट रॉन्ग का कॉन्फ्लिक्ट होता है, खुद गलत नहीं, खुद गलत नहीं होना चाहता, मॉरल्स फॉलो करता है, सारे रूल्स फॉलो करता है, अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको फिर भी मम्मी उसको डांट रही है क्योंकि छोटी बच्ची को लाड़कार मिल रहा है। कहानी समझना जरूरी, तो ये कहानी समझना जरूरी, तो आप इग्नेशिया दे पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये सारी कहानी हम बता पा रहे हैं कि पहले कितना डांस कर रही थी, अब नहीं कर रही है, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले जैसे मैंने जो इनडिफरेंस वाली, एम्बरेसमेंट वाली लेडी थी ना, उसको पूछा मैंने कि अच्छा क्या दिक्कत क्या होती, क्या टेंशन हो रहा है, तो उसने बोला कि सर ऐसे काम का वो नया बॉस आ गया तब तो जम नहीं रहा, वो ऐसे लग रहा मैं कर पाऊंगी, तो वो बोलती है ना मुझसे ना होता नहीं है, मतलब क्या नहीं होता, उसको पूछा तो बोला सर ऑफिस में भी वो काम नहीं होता, घर में सर ज्यादा करके, मतलब वो करके मुझे घर का देखना है तो मुझसे होता नहीं सर ना, और उसमें मुझे कोई बोलेगा तो गुस्सा आता है। तो मैंने पूछा हस्बैंड बाजू में बैठा हुआ है किस पे गुस्सा आता है? हाँ सर मतलब है ना, तो हंसी फिर से एम्बरेस हुई, वीकनेस जैसे बताने वैसे हंस रही है, हंसी तो किस पे गुस्सा आता है? तो उसने क्या बोला, बताया
हाँ सर, वैसे ऑफिस में तो ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, मैं पूछ रहा हूँ किस पे आता है। ऐसे ही सर, मतलब तो बाजू में हस्बैंड बोला हो है, लेकिन है ना उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उसकी हिम्मत, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं, वो पुअर समझ रही है अपने आप को। तो दूसरी बार पूछा तो बोलती है ऐसे सर घर में कोई बोलता तो गुस्सा आता है, क्या बोलता है सर? वही दिन मुझे बोलते हैं कि ना तुझसे होगा नहीं, तेरे से नहीं, मतलब रिप्रोच होता है ना इसमें, ये भी रूबरिक, ऐसे भी रूबरिक से रिप्रोच, ये पसंद नहीं है सीपीआर को। लेकिन तीसरी बार फिर से पूछा, नहीं बताओ कि मतलब किससे होता है घर में, तो कितने जने? तो बोले, तो हंस गए फिर से, कितने जने पूछा तो बोले चार जन ही है, तो बच्चे तो नहीं करेंगे, तो हस्बैंड ही बोलेगा। तो हस्बैंड ने खुद बोला, अच्छा कुछ बताओ अगर मेरी तरफ से मुझे मैं चाहिए तो बाहर जाता हूँ। मतलब देखो उसको हिम्मत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर क्योंकि हस्बैंड ऐसा अगर बोल रहा है कि मैं बाहर जाता हूँ बताओ, तो डिपेंड करता है हस्बैंड भी कैसा है। अगर हस्बैंड केयरिंग है, ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा समझदार है, तो वो उस हिसाब से बात करेंगे। लेकिन अगर हस्बैंड समझदार नहीं है, तो सेपिया इस स्टेट के बाद स्लैंडरिंग में जाती है, जो हस्बैंड का कच्चा चिट्टा खोल देती है, वो थोड़ा योगेश बताओ। स्लैंडर वही, मैं जो ये केस बताया ना, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं इनके लिए इतना सब करती थी, सासू माँ बस आके बीच में आएगी, दो दिन रहेगी, खाएगी खाएगी निकल जाएगी, बच्चे की तरफ नहीं देख रही। मैं पति को बोलती थी कि अरे आप थोड़ा सा देखो, तो वो भी अपने दोस्तों में लगे है, क्रिकेट का मैच है चल रही है वहां पर। अरे अभी बच्चे के बाप हो गए, घर की जिम्मेदारी है, कुछ समझो, कुछ ये करो। तो वो जॉब पे डांडी मार गई, क्रिकेट मैच खेलने जा रहे, वहां पर दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, फिर वहां से आएंगे तो तीन दिन खांसते रहेंगे, दम आता रहेगा, दमा लगते रहेगा। मैं उनको बोला अरे समझो, ऐसा मत करो, आप अभी थोड़े जिम्मेदार हो जाओ। बहुत कोशिश करी, लेकिन अभी जब ये सुन ही नहीं रहे, तो फिर मैंने बोला कि बस अब नहीं, और नहीं अभी, अब मैं बोला कि अब मैं मेरे तरीके से चलूंगी। अब वो बोलते हैं कि अरे मेरे को ये टिफिन विफिन, तो मैं बोलती हूँ जाओ आप खा लो ऑफिस में खा लो, आपको मैं बोलती थी घर का खाना खाओ तो आप बाहर खाते थे, अब बोलते टिफिन में, तो मैं बोलता खा लो तुम, आपको वैसे ही शौक था खाने का, खाओ। अब मैं बोल देती हूँ, अब मैं नहीं सुनती, तो ये डिफाइंस हो गया। हाँ, ये डिफाइंस आ जाता है। तो ये चिट्ठा पुर्जा उसने सामने आराम से बोल दिया, आराम से उसने, तो सारी जो ध्यान नहीं दे रहे, घर में काम नहीं कर रहे, घर में यहाँ पे आके कचरा डाल रहे, वहां पे कर रहे, खुद का ठीक से नहीं रख रहे, सारी तो हर कंप्लेन करते रहेगी, सारी चीजें हस्बैंड की गलतियां फिजिशियन को बताएगी। तो आपको इमेजिन करना है कि घर में कैसे होता होगा। मतलब एक लेडी जो बहुत पहले काम करती थी, फिर लोग उसको उसके हिसाब से उसको ट्रीट नहीं करते थे, फिर उसको गुस्सा आने लगा, फिर उसके बाद वो धीरे 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 स्लैंडरिंग में गई, फिर इंडिफरेंस में गई। तो ये सारी चीजें ना, ये आगे का और पीछे का कंटेक्स्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कहानी सीपीए की आपको थोड़ी ध्यान में आ गई। एक और हिपोक्रेसी का एग्जांपल है, हिपोक्रेसी एंड स्लैंडरिंग का। अच्छा अच्छा। एक क्लिनिकल सिनेरियो, तीन लोग अंदर आते हैं, एक बेटी है तकरीबन 15-16 साल की, एक मदर इन लॉ है, और एक लेडी है जो पेशेंट है तकरीबन 65-70 साल की। अर्थराइटिस का इशू है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन छूट जाता है, इसका इशू है, ठीक है ना। बातचीत चल रही है, अच्छा है, ऐसा है वैसा है, और उनकी जो नातिन है, जो पोती है, वो भी बोल रही है कि हाँ इनको दादी को ऐसा ऐसा है। उस बीच में मेरी नजर डॉटर इन लॉ के ऊपर जाती है, बहू के ऊपर। बहू कुछ नहीं बोल रही, ऐसे बैठी, ऐसे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल उदासीन, कोई लेना देना नहीं, जो बोल रही बोलने दो उसको, लेकिन वो अलर्ट है, उसको पता है क्या बोल रही, ठीक है। समझ में आ गया। तो केस टेकिंग के दौरान ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि अगर आपको रियलिटी पता करना है तो पेशेंट को आप बाहर भेज दो। तो मैंने उनको बोला बेटा आप इनको लेकर के बाहर जाओ। जैसे ही बाहर भेजा, मैंने उनको पूछा बहू से कि जरा इनके बारे में व्यवहार, सर इनका व्यवहार, ये जो बोल रही है ना आपके सामने, जो दिख रही है ना वैसी है नहीं है। मैंने कहा मतलब चालू हो गया पूरा पोल पट्टी, सर आपके सामने जो बोल रही है समस्याएं हैं आपको, ये इनका जब बेटा आता है ना, मतलब वो भी खार खाए बैठी थी, इनका बेटा मतलब उनका पति जो बोल रही है, इनका बेटा जब आता है तो उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, तब इनको कभी यूरिन की दिक्कत नहीं होती, लेकिन बेटा जैसे ही बाहर जाता है वैसे इनका यूरिन छूटना चालू हो जाता है, टीवी का जो वॉल्यूम है वो लाउड हो जाता है, जब बेटा रहेगा तो नहीं करती कभी। इनको ये सब कुछ पता है कि कहां पर क्या कैसे बात करनी है। आप इनको कभी, आप इनको हल्के मत लो जैसी दिख रही है। तो फिर मैंने कंफर्म किया उनकी, उसकी बेटी को भी बुलाया जो उसकी पोती, बोली सर शी इज वेरी वेरी, बहुत ही दिक्कत करने वाली है, हम लोग को एग्जाम के टाइम में टीवी लाउड करके बैठ जाती है, लेकिन पापा के सामने कभी नहीं करती, तो उसको वीकनेस पता होती है, ये एक तरीके का अडेप्टेशन है, ये हिपोक्रेसी है सीपीए की।
तो हमने देखा बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन देखा और थोड़े से ऐसे जो रेयर प्रेजेंटेशन है वो भी देखे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितनी यूनिक पर्सनालिटी है और कितनी कॉमन है। और यूट्रस ये हर औरत का बहुत महत्वपूर्ण और उसको औरत होने का औदा प्रदान करने वाला वो ऑर्गन है। उस ऑर्गन में ही जब कमजोरी हो, अपने को जैसे सेपिया मालूम है कि भाई बियरिंग डाउन सेंसेशन प्रोलैप्स, और इसके लिए मतलब वो शरीर ही उस ऑर्गन को रखने में, ठीक जगह पर रखने में उसका वो ये नहीं पावर नहीं, या तो उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस यूट्रस को उस जगह पर रख सके, उसको लगता है कि वो बियरिंग डाउन हो रहा है। ये तो ये अगर सब कहानी जाने आप, ये अगर उसकी ऐसी कहानी है इसलिए ये जो मतलब बता रहा है यूटरस का, उसका एक और मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि यूटरस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब उसकी फैमिली और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और उसका रूब्रिक है जो उसको जोड़ता, फियर दैट द ज्वाइंट्स आर वीक। ज्वाइंट्स का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट्स है। फियर ज्वाइंट्स आर वीक और एंग्जाइटी स्विंग वेन। तो सीपिया हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि अपने प्रयासों से चीजों को सबको जोड़ करके रखे, क्योंकि उसको पता है कि मैं अंदर से बहुत पुअर हूं। तो उसका ये प्रयास हमेशा रहता है कि सबको साथ में लेकर के चले, सारे ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स मतलब फैमिली मेंबर्स, और उनको उनके लिए ऐसा ऐसा कुछ प्रयास किया जाए जिससे कि वो रेसिप्रोकेट करें। और इस चीज से रिलेटेड और यही ऑर्गन्स जो हैं या जो ज्वाइंट्स हैं, एक तरीके का ऑर्गन है, महत्वपूर्ण चीज है जिसको वो रोकने की कोशिश करती है कि क्रॉसिंग लेग्स अमिलोरेट, जो अंदर की चीज जो बाहर आ रही है, मतलब जो ज्वाइंट्स जो वीक पड़ रहे हैं, जो कमजोर पड़ रहे हैं, उनको किसी तरीके से समेट करके रखो, अपना पूरा प्रयास करते रहो। अभी केम साहब की कुछ लाइंस पढ़ रहा हूं। सीपिया इज सूटेड टू टॉल स्लिम विमेन विद नैरो पेल्विस एंड लैक्स फाइबर्स एंड मसल्स। सच अ वुमन इज नॉट वेल बिल्ट एज अ वुमन। क्यों? क्योंकि नंबर टू की थी ना वो, नंबर टू की थी, अनवांटेड थी, सब लोग ने उसको मॉक किया, रिडिक्यूल किया, तो उसके अंदर अंदर भी जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, हालां मैं भी लड़का होना चाहिए था, मैं भी, ये जो लड़के हैं ना, अगर मुझे रात को बाहर जाना तो मैं अलाउड नहीं हूं, लड़का इसलिए उसको बाहर जाना अलाउड है। ये क्या बात हुई? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और मेरे साथ गलत हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है ना, तो मैं क्यों औरत बनूं यार। तो उसके हार्मोन लेवल पे जो गड़बड़ियां होती हैं सीपिया में, जो कि उसको स्टेरिलिटी में कन्वर्ट कर देती है, उसको इनफर्टाइल बनाती है, वो इस लेवल पर जाकर के हमको समझना पड़ेगा और इस लेवल पर जाकर के प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। ये रियल रीजन होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, क्योंकि सीपिया उसका औरत होने का जो वजूद है ना, उसका अस्तित्व ही खतरे में, वो खुद को ब्यूटीफुल नहीं मानती, खुद को कुछ वर्थलेस समझने लगेगी, फिर खुद का कुछ वजूद ही नहीं है उसका, तो ऑब्वियसली फिर वो फीमेल हार्मोन्स है ना, वो कम होते जाएंगे और हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाएगा, मेल हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे, फिर उसको बाल आना चालू हो जाएगा, तो ये उसको पॉलिसिस्टिक ओवरी चालू हो जाएगी, पीसीओडी होना चालू हो जाएगा, तो ये उसका हार्मोन चेंज होता है। तो जो हम लोग फिजिकल्स में पढ़ते हैं कि भाई उसका सीपीआई का जो पेल्विस होता है मेल होता है, तो वो तो फेमिनिटी की निशानी है कि पेल्विस शुड बी ब्रॉड, सो जिससे कि बच्चे को आसानी से बर्थ दिया जा सके, लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं, कभी खुशी नहीं, 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 मैं औरत हूं करके, वो चिली है अंदर से, इस चीज को हस्बैंड के साथ नहीं है, फिर हस्बैंड के साथ फिर उसको फिजिकल रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बाकी सब चीजें जुड़ेंगी अगर आपको सेपिया कुछ समझ में ठीक से आ गई, मेरे ख्याल से काफी अच्छे से बता दी है, बहुत सारे पॉइंट बाकी भी रह गए, अभी भी हमको याद आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो है ना, इस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में आप 100% सेपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अभी कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़ा 2-3 मिनट में हम लोग आंसर करते हैं, बहुत सारा कुछ लोगों ने पूछा है पोटेंसी के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल देखो, अभी आप रेमेडीज को ना समझ रहे हो, तो अभी पोटेंसीज में क्या होता है ना, जो नॉर्मल ट्रेडिशनली हम लोग जैसे हम कॉलेज में सीखे हैं कि बहुत ज्यादा पैथोलॉजी है तो आप लो पोटेंसी दे दो, मेंटल सिम्टम ज्यादा है तो हाई पोटेंसी दे दो, तो ये सब आप फॉलो कर सकते हो। एंड टू स्टार्ट विथ, टू बिगिन विथ, आप 30 पोटेंसी दे दो और आपको पानी में देना है, उसको रिपीट करना है अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 दिन में,
और फिर कुछ दिनों तक देखो, हफ्ते भर देखो, आपको अगर आपकी रेमेडी राइट है तो 30 से भी सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जो पेशेंट खुद फील करेगा, रिलेटिव्स फील करेंगे, आप भी देखेंगे कि उसमें वो थोड़ी सी स्माइल आएगी, थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी अच्छी दिखने लगेगी। ये बहुत फास्ट होता है होम्योपैथी में, इससे फास्ट कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि और हंसी आ जाएगी, वो जो पैथेटिक सिचुएशन ना, वो जैसे सारे लोग जो हम केसेस बता रहे हैं फॉलो अप में, एक हंसी के साथ आए, एक कॉन्फिडेंस के साथ आए, खुद को सवरने लगे, ये सारी चीजें होती है इसमें, राइट। तो और अगर आपको पैथोलॉजी ज्यादा लग रही है तो आप कम पोटेंसी दे दो, और या फिर आप एल एम पोटेंसी दे सकते हो, लेकिन स्टार्ट विद 30 पोटेंसी। और अगर आपको लग रहा है कि ना आप कॉन्फिडेंस हो कि आपकी रेमेडी सही है, तो आप शायद कुछ दिनों में उसको 200 की एक डोज दे दो, और फिर आप वेट करो। अगर आपको 8-10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट नहीं दिख रहे, इनफैक्ट जितनी ज्यादा तकलीफ है, हम बता रहे ना इसकी मूव नहीं हो रही थी 3 महीने से, और 2 दिन से तो बिल्कुल बहुत स्वेलिंग थी, 15 मिनट में स्वेलिंग भी बहुत 50% से कम हो गई, मूवमेंट चालू हो गया। उसको पोटेंसी कितनी दी थी? उसको 200 पोटेंसी दी थी मैंने। तो अपना उद्देश्य पहले ये कि हमारा मिनिमम हो, मिनिमम सेकेंडरी है पोटेंसी, 30 दीजिए, 200 दीजिए, क्योंकि देखो जब हनीमान सर का टाइम था उस वक्त 30% पोटेंसी से ऊपर कुछ था ही नहीं, उसको हाई बोलते थे 6 और ये मॉडरेट पोटेंसी होती थी, 30 मतलब हाई होती थी। तो इसमें ज्यादा आप अभी उलझो नहीं, जैसे हमारे सेमिनार्स में आओगे, सिस्टम्स के साथ जुड़ोगे और आगे बढ़ेंगे, आप इसको और डिटेल में समझने लगेंगे, ठीक है। ये था, और आप ऐसे ही फीडबैक देते रहो, आपके फीडबैक के ऊपर हम अगली रेमेडीज क्या लेना है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल क्लिक करिए, और शेयर करिए लोगों से, जिससे कि हम होम्योपैथी को बढ़ा सकें। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, फिजिकल के साथ में रिलेशन है, डेप्थ में कि कारण क्या है कि कोई पीसीओडी से सफर क्यों करता है, और आप प्रिस्क्राइब करो, आप प्रिस्क्राइब करो, और आपकी जो सक्सेस है, जैसे हमने काफी सारे रेमेडीज डाली है ना, आपके सक्सेसफुल केसेस को कमेंट्स में एक संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा शेयर करो कि आपको क्या, क्योंकि हमें पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, हम बोल हम अप्रिशिएट करेंगे अगर आप कमेंट्स में डालो कि आपकी केस कैसी थी और आपने कैसे सॉल्व किया। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है, ओके चलो, सी यू, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।